आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है, लेकिन 20 से ऊपर विधायक यहां पर गैर मौजूद हैं। अभी तक की बड़ी खबर यह आ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया था कि वो कार्रवाई करेगी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उन विधायकों पर जो इस बैठक में नहीं शरीक होने वाले हैं। बता दें कि कुल 80 विधायक हैं कांग्रेस के कर्नाटका में, और अगर 22 विधायक वहां पर नहीं पहुंचे हैं तो एक बार फिर से कल जिस तरह की खबर आई थी कि संकट टल गया है कर्नाटक में तो एक नया नाटक शुरू हो गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन लोटस को कामयाब माना जाए। 3:30 बजे बैठक का टाइम दिया गया था, जिसके बाद अब ये खबर आ रही है कि सिर्फ 58 विधायक यहां पर पहुंचे हैं। 22 विधायक, जी हां 22 विधायक कांग्रेस के अभी तक यहां पर नहीं पहुंचे हैं। 4 पहले से ही मिसिंग बताए जा रहे थे, अब ये बड़ी खबर आ रही है कि 22 विधायक यहां पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या करने जा रही है? क्या एचडी कुमारस्वामी की कुर्सी बचेगी या जाएगी? बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सगाईराज इस वक्त जुड़ रहे हैं। सगाईराज जी, तो बहुत अजब सी स्थिति है कि 3:30 बजे का टाइम दिया गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और अभी तक 22 विधायक यहां पर नहीं पहुंचे हैं। क्या माना जाए कि ऑपरेशन लोटस कामयाब होता हुआ दिख रहा है, संकट के बादल नहीं टले हैं? हमारा पास जो नंबर्स आया हुआ है उसके हिसाब से 68 एमएलए अभी अंदर है स्पीकर को छोड़कर, और एक एमएलए ने लेटर भी लिखा है कि वो नहीं आ सकते। वो एमएलए है, रेबल एमएलए, वो मुंबई में और बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, मगर उन्होंने लेटर भेजा है कि उनका तबियत ठीक नहीं है, आज वो नहीं आ सकते। और फिलहाल काउंट के मुताबिक गया तो और ज्यादा एमएलए भी अंदर होंगे, शायद अभी तक पूरा काउंट बाहर नहीं आया है। सगाईराज, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके सूत्र आपको इस वक्त क्या बता रहे हैं। अगर आपके भी आंकड़े से चले, एक एमएलए वहां पर पहुंचा नहीं है, और अगर 68 एमएलए यानी 68 अगर अंदर हैं, कुल तो 80 विधायक हैं, 2 निर्दलीय थे, उन्होंने तो पहले से ही अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो अगर कुल स्थिति देखी जाए तो इसका मतलब कांग्रेस के लिए इतनी केक वॉक वाली स्थिति नहीं है, खासतौर से तब जब उन्होंने कहा था कि वो एंटी डिफेक्शन के तहत एक्शन लेने वाले हैं एमएलए के ऊपर। हाँ, अभी भी कांग्रेस सीएलपी लीडर सिद्धरामैया बोल रहे हैं कि जो एमएलए नहीं आएंगे उन लोगों के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इम्पोज होगा। और दूसरा एमएलए नागराज है, उनका अब आज भी कोर्ट हियरिंग है, उन्होंने भी साफ साफ लीडर्स को बताया गया कि वो आज नहीं आ सकते हैं। और स्पीकर को लेकर 80 एमएलए से उससे अभी कुल मिला के शायद 72 से 74 आएगा, शायद मीटिंग खत्म होते ही हमको एक रजिस्टर से लिस्ट मिलेगा, उसमें पूरा एमएलए का लिस्ट मिल जाएगा, कौन आए कौन नहीं आए आज। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी लोग अभी तक नहीं आए हैं, क्या वो सारे के सारे मिसिंग एंड अकाउंटेड फॉर बताए जा रहे हैं, कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं, या फिर अभी भी पेच कुछ एमएलए को लेकर फंसा हुआ है वहां पर? सगाईराज, और कितनी देर में ये बैठक खत्म होगी, कितनी देर तक आपके पास डिटेल्स आएंगी? जी, कांग्रेस बहुत स्पेक्युलेटिव था, जिनके 4 एमएलए रमेश जारकेवली के साथ थे वो आएंगे क्या नहीं, मगर 4 से 1 एमएलए उमेश जाधव ने अभी लेटर भी लिखा है सीएलपी लीडर को सिद्धरामैया को, उस लेटर में सीधा सीधा इंग्लिश में लिखा है, बताया गया कि उनका तबियत ठीक नहीं है, इसलिए वो बेंगलुरु को ट्रैवल कर नहीं सकते हैं, इसके वजह से इस बार एक्सक्यूज करने के लिए। सो वो लेटर भी मीडिया वालों को, ठीक है, हम खबर को थोड़ा दुरुस्त कर दें क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, लगातार हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं। पहले ये डिटेल्स आई थी कि 20 के करीब विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचे थे, अब ये डिटेल्स आ रही हैं कि 12 विधायक शायद अभी अंदर नहीं पहुंचे हैं, जबकि 68 यानी